वेलकम व्यूवर्स, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। वेलकम बैक टू माई चैनल जैनी स्टडी इंस्ट्रूमेंट्स। हेयर आर स्टूडेंट्स हु आर डूइंग मास्टर्स और बी एस इन इंग्लिश कैन सीक हेल्प। आवर टूडेज कोर्स इज़ ग्रामर इंग्लिश टू इन बी एस इन इंग्लिश एंड आई एम गोना टेल यू अबाउट द टॉपिक स्कीमिंग एंड स्कैनिंग। इफ दिस वीडियो इज़ न्यू फॉर यू देन hit like button and press subscribe button and press bell icon to get notification of my new videos. Now I'm gonna start the topic, skimming and scanning. Skimming and scanning are very rapid reading methods in which you glance at a passage two times and find specific information. Skimming and scanning से बहुत तेज़ी से पढ़ने वाले तरीके हैं, यानी कि कोई भी चीज़ हमें पढ़नी है तो हमें तेज़ी तेज़ी से पढ़नी पड़ेगी, जिसमें एक पैसेज से इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन तलाश की जाती है। दीज रीडिंग मेथड्स मेक इट ईजियर फॉर यू टू ग्रैप लार्ज अमाउंट ऑफ मटेरियल। और ये मेथड हमें बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर अमाउंट को, यानी कि मटेरियल को बड़े पैमाने पर मटेरियल को तलाश करने में आसानी पैदा करती है, स्पेशली व्हेन यू आर परव्यूइंग। और सबसे ख़ास तौर पर जब हम परव्यूइंग कर रहे होते हैं, दे आर आल्सो यूज़फुल व्हेन यू डोंट नीड टू नाउ एवरी वर्ड। और सबसे ज़्यादा मुफीद तब होती है जब हमें हर लफ्ज़ का मानी जाने की ज़रूरत नहीं होती। स्कीमिंग, स्कीमिंग इज़ यूज टू क्विकली गैदर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और गेस्ट स्कीमिंग इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, यानी कि सबसे अहम तरीन मालूमात और खुलासे को इकट्ठा करने के लिए, तेज़ी से इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल होती है। इट्स नॉट असेंशियल टू अंडरस्टैंड ईच वर्ड व्हेन यू आर स्कीमिंग। और ये बात भी ज़रूरी नहीं है कि हमें हर लफ्ज़ को समझना पड़े जब हम स्कीमिंग कर रहे होते हैं। Run your eyes over the text, noting important information, और note करें अहम मालूमात को text के overall, यानी कि जो हम मालूमात पढ़ना चाहते हैं उस पर नज़र डालें। example of skimming the newspaper to quickly get the general news of the day। newspaper यानी कि एक दिन की तेज़ी के साथ सारी खबरों पर नज़र डालना। मैगजीन्स टू क्विकली डिस्कवर विच आर्टिकल यू वुड लाइक टू रीड इन मोर डिटेल। और ये दरियाफ्त करना है कि हम कौन सा आर्टिकल या कौन सी चीज़ ज़्यादा तफसील के साथ पढ़ना चाहते हैं। बिजनेस एंड ट्रैवल ब्रोचर्स टू क्विकली गेट इन्फॉर्म्ड, ये कि जल्दी से मतलब करना कि बिजनेस, यानी कि बिजनेस में और न्यू क्या आ रहा है उसकी खबर जल्दी से पहुँचाना। और ट्रैवल ब्रोचर्स हाउ टू स्कीम वर्किंग क्विकली, जिससे काम करना है। फर्स्ट रीड द टाइटल इफ़ देयर इज़ वन, और सबसे पहले टाइटल पढ़ना अगर वो एक है। रीड द इंट्रोडक्शन और फर्स्ट पैराग्राफ इफ़ देयर इज़ वन, और अगर तो एक है तो फिर पहला पैराग्राफ पढ़ लें या फिर उसके मतलब मालूमात पढ़ लें, इंट्रोडक्शन पढ़ लें उसका। रीड द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ एवरी अदर पैराग्राफ, हर दूसरे पैराग्राफ का पहला सेंटेंस जुमला पढ़ें। नोटिस एनी पिक्चर चार्ट्स और ग्राफ, और अगर कोई भी उस पैराग्राफ के मतलब पिक्चर है या चार्ट्स है या ग्राफ है उसको पढ़ें। रीड द समरी और लास्ट पैराग्राफ इफ़ देयर इज़ वन, और सबसे इम्पोर्टेंट समरी और आखिरी पैराग्राफ को पढ़ें अगर वो एक है। स्कैनिंग, स्कैनिंग इज़ द रीडिंग टेक्निक्स टू बी यूज व्हेन यू वांट टू फाइंड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्विकली। स्कैनिंग इज़ द रीडिंग, स्कैनिंग एक पढ़ने की टेक्निक्स है जिसमें हमें ख़ास इंफॉर्मेशन बहुत तेज़ी के साथ हम चाहते हैं, तो ये स्कैनिंग यानी कि जो पढ़ने की तकनीक है उस वक्त इस्तेमाल होती है। इन स्कैनिंग यू हैव अ क्वेश्चन इन योर माइंड एंड यू रीड अ पैसेज ओनली टू फाइंड द आंसर। स्कैनिंग के दौरान आपके जहन में एक सवाल होता है और आप इस सवाल के आंसर जवाब को तलाश करने के लिए एक पैसेज को पढ़ते हैं, इग्नोरिंग अनरिलेटेड इन्फॉर्मेशन। और हम उसके मतलब अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो फिर हमें उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। एग्जाम्पल ऑफ स्कैनिंग, अ गूगल सर्च लिस्ट ऑन द इंटरनेट, इंटरनेट पर गूगल की एक सर्च लिस्ट, अ बस एयरप्लेन शेड्यूल, और एक बस और एयरप्लेन का शेड्यूल, और कॉन्फ्रेंस गाइड, अ ग्राफ, हाउ टू स्कैन, स्टेट द स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन यू आर लुकिंग फॉर। सबसे पहले वो उस इन्फॉर्मेशन के बारे में बताएं जो आप देखना चाहते हैं। सेकंड, ट्राई टू एंसर पेज यू हाउ द आंसर विल अपीयर, और ये समझने की कोशिश करें कि जवाब किस तरह ज़ाहिर होगा। एंड वाट क्लूज यू माइट यूज़ टू हेल्प यू लोकेट द आंसर, और इस आंसर को तलाश करने के लिए आपकी मदद करने के लिए कौन से इशारे इस्तेमाल होंगे। थर्ड, यूज़ हेडिंग एंड एनी
अदर एड्स हेडिंग या फिर दूसरी एड्स को इस्तेमाल करें फॉर सेलेक्टिवली रीड, चुन चुन के पढ़ें एंड स्किप थ्रू सेक्शन ऑफ द पैसेज, जो पैसेज आपकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के मतलब नहीं है उसे स्किप करते रहें। कंक्लूजन, स्कीमिंग एंड स्कैनिंग इज़ यूज व्हेन रीडिंग ऑल टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स। स्कीमिंग और स्कैनिंग इस वक्त तमाम किस्म के दस्तावेजात को पढ़ने के लिए इस्तेमाल होती है। नंबर टू, एज वी स्कीम, जब हम स्कीम करते हैं वी थिंक अबाउट द टॉपिक, हमें टॉपिक के मतलब सोचना चाहिए। वी थिंक अबाउट व्हाट वी ऑलरेडी नाउ अबाउट द टॉपिक, हमें इस बारे में सोचना चाहिए कि हम इस मतन के मतलब पहले से क्या जानते हैं। वी स्टार्ट आई गेस, हमें गैस लगाना शुरू करना चाहिए। थर्ड, वी स्कैन फॉर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, जब हमें खास किस्म के इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है हम स्कैन करते हैं। वी वर्क क्विकली व्हेन वी स्कीम एंड स्कैन, जब हम स्कीम एंड स्कैन करते हैं तो हम काम अपना तेज़ी से जल्दी कर लेते हैं। गाइज, आज का टॉपिक था स्कीमिंग एंड स्कैनिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।